पंडित नेहरू ने पिछले दोनों चुनाव फूलपुर लोकसभा सीट से जीते थे। कई लोगों ने डॉक्टर लोहिया को फूलपुर से चुनाव न लड़ने की सलाह दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक भाषण में कहा था, मैं कांग्रेस की सबसे मजबूत चट्टान से टकरा रहा हूं, मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा लेकिन इसमें दरार जरूर डाल दूंगा। पंडित नेहरू ने डॉक्टर लोहिया को लिखी एक जवाबी चिट्ठी में कहा था, इस बात का एहतियात बरतें कि ये चुनाव व्यक्तिगत आक्षेपों पर सिमट कर ना रह जाए। मेरी तरफ से ये वायदा रहा कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में एक दिन भी प्रचार के लिए नहीं आऊंगा। कृपलानी ने अप्रैल 1961 में संसद में रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के खिलाफ मोर्चा खोला और उसे सदन के बेहतरीन भाषण में से एक माना गया, लेकिन नेहरू के करिश्मे के आगे कृपलानी टिक नहीं पाए और नॉर्थ बॉम्बे सीट से हार गए। राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और उन्हें 19 सीटों पर जीत भी मिली। भारत में नेहरू जी का विरोध होना मुखर रूप से शुरू हुआ, क्योंकि तिब्बत को पहला स्टेप था कि चाइना के पास नहीं जाता, तो चाइना यहां तक नहीं आता, फिर चाइनीज युद्ध नहीं होती।